ये अभी आपके भाई का नाश्ता हो रहा है शाम के 4 बजे, नींद ही पूरी नहीं हो रही यार। अचार गोश्त बना था लजीज सा, चीज तो बढ़िया है। इसका भी चारा बना देता हूँ यार, पता नहीं पेट्रोल वाला किधर शार्ट है, अब मुझे ही चारा बनाना पड़ता है इसका। ये ले भाई, ये डाल दी ऊपर से भूसी, भूसी इसकी फेवरेट है लेकिन ज्यादा नहीं खिलानी चाहिए, मोशन हो जाता है। आ गया, आ गया सुल्तान भाई, ये लो चारा तुम्हारा, चारा खा लो फिर दूध का भी इंतजाम करते हैं। जब तक पानी तो पियो यार, दूध अभी लाना पड़ेगा, पानी पी ले। अबे तू किधर था कब से? कुत्ते का सिलक बना रहा था। ये कुत्ता क्या होता है भाई, उसका नाम वाम रखना पड़ेगा और हमने उसका नाम रख लिया जोशुआ। जोशुआ नहीं, मैक्स। तो गाइस कुत्ते का नाम जोशुआ। जोशुआ ये क्या हो गया? क्या हुआ? बुरा नहीं है, सही है, अच्छा नाम है यार, जो ये रख ले। अबे यार तेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जोशुआ भाई। रमीज रख ले। गाइस तुम लोग बताओ, रमीज होना चाहिए, जोशुआ अच्छा होना चाहिए? अड़ी भाई ये बुरा मान गया, इसका असली नाम है जोशुआ। तो ये बोले कुत्ते का नाम जोशुआ नहीं रखो, क्या नाम रखे कुत्ते का? गाइस बताओ, जोशुआ नाम वैसे सही था, वैसे सूट नहीं कर रहा, रमीज ज्यादा सूट कर रहा। वैसे कुत्ते का नाम जोशुआ नहीं रखा, अभी हम जाते हैं पीसी पे बैठते हैं और अच्छे अच्छे से नाम निकालते हैं अपने पेट्स के लिए। अरे वाह भैया वाह, बारिश भी शुरू हो गई है और हवा भी मस्त चल रही है, मौसम भी बेहतरीन है, बूंदे देखो कितनी मोटी मोटी। बारिश को छोड़, कुत्ते को टिक्स हुआ है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ कल तो उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे इतने मोटे मोटे, बीमार हो जाएगा, क्या कर रहा है तू? अगर बस मैं नहा के आ रहा हूँ फिर चलते हैं फौरन, चल चल चल, तो के रेडी हो चुका हूँ, चलो अब चलते हैं फौरन से यार। एक तो पेट्रोल वाला नहाने गया है और फिर तुम लोगों को तो पता है 2 घंटे लगाता है नहाने में, कौन सी सदियों का महल निकाल रहा है। आजा, ये जगह तो तुम लोग को याद ही होगी, यहाँ पे हमारी गाय थी पहले, अब देखो ये जगह कितनी सुनसान पड़ गई है। अबे क्या भाई 2 घंटे लगा दिए और उसको कहाँ घर लेके चला जाता है तू? भाई ये मेरे साथ ही रहता है। सैड सैड सा लग रहा है यार बेचारा, कीड़े इसको बहुत तंग कर रहे होंगे ना, इसको भी कीड़े तंग करते थे लेकिन हमने इसका इलाज करवा दिया, अभी इसको लेके जा रहे हैं। क्यूट तो बहुत है यार। लो भाई इसको दूसरी गाड़ी में भी लिया है और अब सुकून से सो रहा है, लेके चलते हैं यार डॉक्टर के पास। पहले जो डॉग था हमारे पास, तुम लोगों ने देखा होगा वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, ये डॉग एक्टिव ही होते हैं और ये पता नहीं इतना सुनसान है, उसकी वजह डॉक्टर ही बताएगा। इसको डॉक्टर के पास ले आए हैं फाइनली, लेकिन अभी इधर टाइम थोड़ा लगेगा, आधा घंटा तकरीबन। वो बॉय क्यों खतरनाक, जर्मन शेफर्ड भी आया हुआ, एक हम भी लाए साथ। फाइनली इसका चेकअप वगैरह हो गया, तुम लोग बोल रहे हो इसके पता नहीं क्या बांध दिया ऊपर, भाई इसके पूरी बॉडी पे स्प्रे किया है, इसके कीड़े वगैरह जो है ना वो मर जाएंगे। थे भाई इसको रिपोर्ट बनाइए प्रॉपर भाई, जैसे इंसान रिपोर्ट बनी है भाई, इसके रेड ब्लड सेल वो कम है, व्हाइट ब्लड सेल वो कम है, बस ये लंबी निकल, दवाई क्या बताइए, कोई सिरप पिलाना होगा, एक सिरप भी लिख के दिया इसके लिए और वो इसको पूरे एक। अब कहाँ जा रहा है, इधर आ जा। और वो बोल रहे हैं इसको चिकन भी खिलाओ, सिरिलैक वाला काम नहीं है इसका, 1 महीने का हो गया, ये चुलबुला है थोड़ा सा, इसको खेलना है, जा खेलने। सुल्तान का क्या हुआ, तूने खाना पानी दिया था उसको? तेरे साथ ही इसको लेके क्या हुआ था, मैं कहाँ से खाना पानी दूँ? चलते हैं जल्दी से ऊपर। बे भाई ये तो पूरी छत गीली हो गई है यार, बे पूरी छत गीली है, सुल्तान सेठ की जगह तो सही है और चारा बिल्कुल ही खत्म है। अबे फिर तो चारा भी भीग गया होगा, ये देखो यार लापरवाही चेक करो, चारा आधे से ज्यादा भीग गया, अभी भी बारिश हो रही है। सॉरी यार सुल्तान सेठ, डॉक्टर के पास टाइम लग गया, वरना मैं तो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कर रहा था। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हो यार, नहीं हो। बना दिया कर भाई चारा उसके लिए, अभी कुत्ते के पीछे नहीं लग इतना, मैं ही बना रहा हूँ चारा, खुद तो खड़ा हुआ है, मैं 3 दिन से बना रहा हूँ तरीके से, बारिश हो रही है, चारा भी भीग गया, बस सही है, नया आ गया वो, अब इतनी लापरवाही नहीं कर इसके साथ सुल्तान के साथ, ये तो उसने अपनी जान ही छुड़ा ली है यार चारा बनाने से। छोड़ दे भाई अब, वो मेरे हाथ का खाने की आदत हो गई है उसको, और मैं इसको आदत डाल दूंगा। ये लो सुल्तान सेठ मेरे हाथ का भी खाओ, आज खा रहा है माशाल्लाह खा रहा है, भूल जाओ अब जुबैदा आपा को भाई, पानी भी देता हूँ यार सबसे, जब से हम लोग गए हैं उसको पानी भी नहीं पिलाया, शाम में ही पिलाया था, ज्यादा पानी पिलाओ तो पेट फूल जाता है, तो कम ही पिलाएंगे इस बार। ये लो सुल्तान सेठ, सॉरी यार पानी पियो फिलहाल, दूध लेने जाना फिर से मैं भूल गया, मुझे पता है मैंने तुम्हें शाम में बोला था मैं करता हूँ इंतजाम, लेकिन डॉग को डॉक्टर के पास ले जाना था तो फिर भूल जाता है ना यार बंदा, पानी पी ले। सुल्तान सेठ तुम पानी पियो, मैं बस 2 मिनट में इसके लिए दूध लेके आया, इतनी रात को कोई दूध वाला खुला हुआ भी हो गए, तू तो पहले ही आ गया यहाँ पे। आना भाई सुल्तान के लिए दूध लेने आया हूँ, तो वहाँ ऊपर था भाई, मेरे अंदर शक्ति है अलग अलग, सुल्तान के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं, इंसान पहले ही मुझे नहीं लगता था। और अब आधा आधा किलो वाली 2 शॉपर ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दूध पिलाने से इसका पेट फूल रहा है, तो टाइम हमने डिवाइड कर दिया। चलो यार दूध पकड़ लिया, अब निकलते हैं। सुल्तान सेठ गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह छत पे निकालते हैं यार इसका दूध बोतल में, बर्दे बोतल बर्दे पूरी, इसमें पानी मिलाना लाजमी है। अरे ये क्या गिलास भी टूट गया, पानी नहीं मिलाएंगे इसका पेट फूल जाएगा। दूध की बोतल रेडी हो गई है इसकी, क्या टाइम हो रहा है यार? 6 बज गए भाई सुबह के, रात में दूध ले आया था लेकिन मैंने पिलाया नहीं इसको, क्योंकि लोग बोलते हैं इसका रात में मतलब गला वगैरह खराब हो जाता है पानी वानी पिलाने से गाय को, तो मैंने सोचा सुबह पिलाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी यही बोलती थी कि ब्रेकफास्ट मस्त होना चाहिए, बाकी पूरा दिन आपका जानदार गुजरता है। तो स्कूल में ब्रेकफास्ट करके जाता था तो इसको भी लाजमी है यार सुबह अच्छा खाना पिलाएं। सुबह सुबह अगर मैं दूध पीना स्टार्ट कर दूं ना, ये आपके भाई ये डोले छोले बन जाएंगे। लेकिन सुल्तान सेठ की बॉडी बननी चाहिए यार अच्छी सी, मेरी बने नहीं बने,
पीले पीले पीले। सुल्तान को खोल दिया था लेकिन यार इसकी जगह बड़ी गंदी हो गई है, मक्खियां ही मक्खियां हैं। थोड़ी सफाई भी कर देते हैं इसकी जगह की। बदबू। चलो भाई मजदूरी। सुबह सुबह सुल्तान भाई के पास मैं बहुत कमी आता हूँ, अक्सर इस टाइम मैं सो रही होता हूँ, लेकिन सुल्तान भाई को दूध पिलाना था तो फिर मैं उठा रहा, जागता रहा तुम्हारे लिए। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो। अभी चारा भी मैं ही बना के दूंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेनी। पेट्रोल वाला पता नहीं किधर है, और खाना इसको ज्यादा देना भी नहीं है क्योंकि इसका हाजमा छोटा है तो ये कम ही खाता है, फिर चबा नहीं पाता तो पेट फूल जाता है। आ जाओ भाई दिल भर के खाओ। मैं लगाऊं यार सोने, उठूंगा अब आराम से दोपहर में। अबे क्या मौसम हो रहा है यार दोपहर में, वो भी मैं थोड़ा बैठ के जीटीए खेला था, यहाँ मौसम बड़ा टायर्ड हो रहा है, छत पे चलते हैं। चलो भाई चलो। होए 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 क्या ही बात है। सुल्तान सेड यू आर आल्सो एंजॉयिंग द मौसम। एक तो गिलास टूटा हुआ, ऊपर से टंकी में से पानी निकाल के इसकी बोतल में भर रहा हूं। इसको भी प्यास लग रही होगी, पियो पियो दिल भर के पियो सुल्तान सेड। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है। पीले पीले पीले। दोस्ती करनी है सुल्तान सेड से तुम्हें आज या नहीं? मौसम अच्छा है तो उसको भी छत पे ले आए, और इसका नाम भी हमने रख दिया मैक्स, जो हमारे पुराने डॉग का नाम था बिल्कुल वही। वो तो पता नहीं कहाँ होगा यार, उसको बड़ा होने के लिए भेज दिया था। आंखों का मेल तो साफ करता भाई, अभी बड़ा हो गया चिकन भी खाएगा। चिकन भी खाने लग गया। हाँ। माशाल्लाह भाई, डॉक्टर ने बोला इसको चिकन खिलाओ, अब ये एक महीने का हो गया, अब सिरिलैक वाली कहानी नहीं है, फिर ये एक्टिव होगा तगड़ा होगा। अब सुल्तान को भी चिकन खानी है यार। चारा खाओ तुम अपना। अबे सुल्तान सेठ तुम्हारा चारा होता है, तुम्हारा दूध होता है, ये तो तुम नहीं खाओ तो बेहतर है। अबे बिल्कुल छोटी छोटी कर, चबाने में इसको मुश्किल ना हो, तोड़ दे पूरी रेशा रेशा। माशाल्लाह भाई चिकन तो फोड़म फाड़ी कर रहा है आराम से, इसको मसला भी नहीं हो रहा कोई। मुझे लग रहा था ये छोटा है अभी नहीं खा सकता चिकन, लेकिन ये तो भाई शौक से खा रहा है। कल इसको नहलाना भी है डॉक्टर ने बोला, क्योंकि अभी इसके जिस्म पे ना सारा स्प्रे वगैरह किया था कीड़ों का, ताकि ये अपने आप को चाटे नहीं, तो ये लगा दिया था उन्होंने। कल इसका ये पट्टा खोल के इसको नहला देंगे तो फिर सही हो जाएगा। सुल्तान देखो यार कितना सैड हो गया, इससे ना इसको जरासीम लग सकते हैं, क्योंकि ये गोबर वगैरह में रहता है वहाँ पे, और उसको डॉक्टर ने बोला बिल्कुल दूर रखो, ऐसे इंसानों से भी दूर रखो और जानवरों से भी दूर रखो, जब भी तो बीमार हो रहा है वो। तू उसका खाना बना, मैं ही बना देता हूँ यार सुल्तान भाई का चारा। सुल्तान भाई को भी भूख लग रही होगी, ये लो भाई खाओ सुल्तान से, दिल भर के खाओ। अबे चार बार खाना खिला रहा है, सुबह खिलाया, दोपहर में खिलाया, फिर शाम में, चार बार ही खिलाना होता है। क्यों क्या कर रहा था ये? भूख लग रही थी भाई इसको। तो क्या कर रहा था, तेरे को कैसे पता भूख लगी? भूख लग रही थी, शोरमा चलता वो कर रहा था। कैसे कर रहा था वो? यूं देखना चाहती है। अबे यहाँ तो खत्म हो गया सारा, ये क्या खुद घर लेके जाके खाएगा क्या? अबे इतना ज्यादा नहीं खिलाना भाई, छोटा अभी वो बहुत। पहले जब मेरी बिल्लियाँ छोटी थी, जब भी मैं इसी तरह की चिकन बना के देता था उनको, और अभी मैक्स के लिए बनाता हूँ प्रॉपर छोटे छोटे रेशे बना के फिर खाता है ये। अबे क्या मेरे जॉर्डन पहनने की कोशिश कर रहा है क्या तू? तो पूरा का पूरा आ जाएगा इसके अंदर। मैक्स आ जाओ। ये देखो भाई सुनता भी है बात आपके भाई की, और गिरा ना छोटू सा। अरे कारनामा कर दिया, बन गई, आ जा तेरी चिकन बन गई। अबे यहाँ हूँ मैं, फोड़म फाड़ी स्टार्ट कर। जा रहा है चीज तो बढ़िया है, तू बोल दे। मैं तो अभी भी यहाँ व्लॉग बना रहा है, बाहर पेट्रोल सस्ता हो गया, मैंने तो बहुत सारा पेट्रोल स्टोर कर लिया है, एक काम कर तू भी मेरे को भरवा दे। अबे कौन सा ईरानी पेट्रोल तो नहीं भरवा लिया? अरे नहीं कल स्ट्राइक है भाई, पेट्रोल बंद हो जाएगा, आज जितना भरवा सकता है भरवा ले। तो पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी लोगों की? वही तो बोल रहा हूँ, अभी भरवा ले। पक्की बात है? चल फिर जल्दी चल। अबे चल नंगे पांव। अबे चल भाई छोड़ भाई, पेट्रोल लगाना लाजमी है। अबे जल्दी चल ना, फंस गया ये तो, भाड़ में जा भाई, मैं तो निकलूँ। पेट्रोल पंप पे तो बहुत रश है यार, तभी मैं बोला जल्दी आ जाते। तूने ले लिया पेट्रोल? हाँ ना, मैंने तो घर पर जमा किया हुआ, गैलन भरे हुए हैं मेरे। तेरे को पैसे कहाँ से आए? लेकिन पेट्रोल के लिए पैसे होते हैं मेरे पास। ये देखो वैसे निकलते नहीं है, ट्रीट देने के लिए आईफोन लिया उसके वैसे। अबे फुल करवा। अबे फुल कर दो, पूरी टंकी भर दो। हाँ भाई पूरी टंकी भरनी चाहिए, हो सकता है मैक्स को हमें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़े, बहुत काम होते हैं यार। चलो भाई पेट्रोल डलवा लिया, अब दो तीन दिन तो चली जाएगी गाड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल गया हूँ लेना, सुल्तान का दूध। अबे वो मैं पहले ही आया, 125 आ रही है, भागो। ये तो रोज 125 कहाँ से आ जाए। सुल्तान सेठ के लिए दूध निकाल लेते हैं। सुल्तान तो भाई दूध के लिए तड़फा जा रहा है, रुक जा, चल भाई शुरू हो जा, दूध की बोतल तेरे लिए रेडी हो गई है। दूध पीते हुए वैसे वाकई क्यूट लगता है ये, लेकिन यार फिलहाल अभी एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है, बिल्डिंग वालों ने फिर से पंगा कर दिया है। बड़ा सीन हुआ था वो तो मैंने तुम लोग को दिखाया नहीं, प्रॉपर पुलिस वगैरह भी आ गई थी, वीडियो तो मैंने बनाई है लेकिन दिखाऊंगा। सुल्तान भाई लोग तुमसे बहुत जलते हैं यार, लोग चाहते हैं तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुम भी यही चाहते हो क्या? दूध पी ले फिर खाना भी दे देता हूँ। दे दे यार उसको चारा भी दे दे। चलो हो गया, खुश होना सुल्तान सेठ। अब मसला क्या है वो तो मैं तुम लोगों को कल के व्लॉग में बताऊंगा, कल सुल्तान का डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है इसके साथ, या तो ये हमें छोड़ के चला जाएगा हमसे दूर, या तो पता नहीं क्या होगा यार। सुल्तान भाई नहीं जाना यार छोड़ के, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मिलते हैं कल के व्लॉग में, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मैं तो बोलूं सुल्तान को नहीं लेके जाते यार। लाफ, टेक केयर, बाय बाय। चलो शार्ट।